Assalamualaikum and hey friends, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद अच्छे होंगे. अभी मैंने जो व्लॉग स्टार्ट कर लिया है, मैं और आपको बाहर का एनवायरनमेंट दिखाती हूँ. लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, जल्दी जल्दी गाइस. बाहर देखो, अभी हो रही है सुबह सुबह, लेकिन इधर बाहर है रात. अंधेरा हो गया है, धुंधला हो गया है, बारिश है. मैं आपको विंडो खोल के दिखाती हूँ. बाहर ना अच्छा खासा तूफान है, ऐसा ना हो मैं विंडो खोलूँ और पानी आ जाए, क्योंकि बहुत हवा दिख रही है. देखो कैसा अजीब दिख रहा है. आराम आराम से. ओ अल्लाह सही. अरे अरे हवा आ रही है और पानी भी आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा. मैगी भी दिख रही है. हेलो मैगी. चलो हम ना छत की विंडो से देखते हैं क्या आने वाले हैं. इधर से शायद पानी अंदर ना आए. सुबह का टाइम है, लेकिन रात रात लग रही है, मगरिब का टाइम लग रहा है और खतरनाक बारिश. यहाँ से देखें पानी तो अंदर आएगा इधर से थोड़ा बहुत. अरे 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 हवा है. बंद बंद बंद. ओए मैगी का मैगी. अरे एक्साइटेड है मैगी बहुत. मैगी तो दो मिनट में गीली होके आ गई, इतनी खुशी बारिश की. हमें भी इतनी खुशी नहीं है. ला ला ला. ये बहुत खुशी है बारिश में गाइस. देखो देखो दादा चुप 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 खड़ी चुप खड़ी चुप खड़ी चुप. खुशी 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 यार. नहीं सो कितनी खुशी है. गीली हो गई. ए वो जो अयो 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 अरे 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 चक दिए चक. सुबह सुबह हमारे घर बन रहे मंदू, क्योंकि इमोन की फरमाइश है, उसको बड़ा मंदू खाने का दिल कर रहा है. तो क्या कर रहे हैं, आटा बना रहे हैं. इसमें फिलिंग करूंगी, मैं हेल्प कर रही हूँ और इमोन ने बाकी सारा काम किया, सब कुछ. ऐसा लड़का ना सबको मिले. इमोन कुछ लोग बोलते हैं तुम ना काम नहीं करती हो, इमोन काम करता है. नहीं नहीं मैं शादियां करता है ना. मैं भी करती हूँ, लेकिन मैं दिखाती नहीं हूँ ना, शोफ नहीं करती, शोफ नहीं करती. और गाइस ये रहा हमारा आटा और ये रही हमारी मैगी, जो हर वक्त हमारे साथ ही रहती है ना, लेकिन हाथ नहीं लगा सकते, साफ हाथ से काम करना पड़ेगा ना. तो चलो अभी हम ना इसकी प्रिपरेशन करके और फ्रीज करके रख देंगे, फिर जब दिल करेगा तब खाएंगे मजे मजे से. असल में जो कुकिंग करते हैं ना, उस दिन अगर कुकिंग करो फिर वो मजा नहीं आता, टायर्ड हो जाता है, इसलिए बना के प्रिपरेशन करके रख देंगे. आज फ्रीज कर देंगे फिर कल खाएंगे, क्योंकि आज बहुत टायर्ड हो जाते हैं बना के. तो इसमें मैंने भी हेल्प की है, ठीक है ना, मेरा भी नाम लिखो इसमें. किया तो प्याज करता है. ये सारे मंदू जो है ना वो मैंने बनाए हैं स्पेशल डिज़ाइन. एंड यहाँ पे चक गया मेरा मंदू. तो ये ना स्टीम होगा ना तो अंदर चिकन विकन अच्छे से पक जाएगा. और पतले पतले बनाए इस बार, लास्ट टाइम बहुत मोटे हो गए थे. और ये इतनी मेहनत से मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, टाइम लगता है ऐसे ऐसे करके, पतले पतले हाथों से करना पड़ता है. बाकी तो ऑलमोस्ट बहुत सारे बन गए. मंदू के साथ साथ ना सीख कबाब भी बना लिए, ये भी अपना फ्रीज कर देंगे. और मैगी को क्या करेंगे, चलो इसको फ्रीज कर दें. मैंने दानों के लिए ना कुछ स्टिकर्स नए से ऑर्डर किए थे, कॉसआरएक्स जो ब्रांड है कोरियन, एक बहुत अच्छी. कोरिया में तो उसके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे थे, लेकिन मैंने उसके कुछ प्रोडक्ट्स मंगा के रखे हैं इधर बांग्लादेश में. और उसका प्रोडक्ट ना अच्छे से काम कर रहा है, आप देख सकते हैं. दाने जो है ना बड़े थे वो छोटे हो गए हैं और धीरे धीरे निशान भी चले जाएंगे. सो डोंट यू वरी गाइस. बहुत सारे लोग परेशान हो गए कि मेरी स्किन बहुत ये हो रही है वो हो रही है, तो ये जल्दी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह. और अभी जस्ट मैंने थोड़ा सा लाइनर वाइनर लगाया है, मस्कारा लगाया है, लेकिन मेकअप नहीं करूँगी, क्योंकि कुछ दिन मैं अपने फेस को ना रेस्ट देना चाहती हूँ. तो आज मैं जा रही हूँ मेरे स्टूडियो. मेरा स्टूडियो कहाँ है, मेरे घर में ही, दूसरा वाला रूम. और उसको मुझे पूरा सा सेट करना है, सब कुछ काम वगैरह करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए. तो फिर उधर हम लोग आज करेंगे मेरा कैबिनेट जो है ना उसको सेट. तो कैबिनेट्स मेरे बन गए हैं, मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ. और सेट करने में कितना टाइम लगेगा पता नहीं, लेकिन स्टार्ट करते हैं. नए से मेहमान को भी बोल दें हेलो गाइस. अप 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 अप. हेलो गाइस. जो 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 वापस बैठ जाओ, डरपोक है अभी ये. मैगी हमें रास्ता दिखाएगी कहाँ जाना है. लाइट्स ऑन, पहले पहले ऑफ करके दिखाऊँ. तन तरन. ये हमारे कैबिनेट्स जो है ना वार्डरोब वो रेडी हो गए हैं, और इनके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन लाइट्स ऑन कर दें. एंड दिस इज़ हाउ इट टर्नड आउट. ऐसा लग रहा है अभी बहुत ही ह्यूज साइज़ के हैं, बड़े बड़े साइज़ के हैं. तो अच्छे खासे ना हमारे सामान आने वाले हैं, तो मैं आपको खोल खोल के दिखाती हूँ अंदर से कैसा. ये तो आपने देखा ही होगा, ये मेरा पुराना था, मतलब इमोन का था ये, और ये हमने नए बनवाए. तो ये हमारा है शादी के बाद वाले कैबिनेट्स जो भर जाएंगे.
और ये कैबिनेट दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये कलर ना मैंने और इमोन ने मिलके चूज किया था नेवी ब्लू, और ये डिजाइन जो है वो मैंने और इमोन ने मिलके इसमें किया है ऐसे, और एंड दे लुक ब्यूटीफुल। मुझे कमेंट्स में बताना कैसा लग रहा है ये, ठीक है। और अंदर से पूरे खाली है, तो अंदर से हम आपको देते हैं टूर। सबसे पहले मैं इस साइड पे आ जाती हूँ। ये ना हमने इसको मेटल के वो लगाए थे, वो मेटल के हैंडल्स, फिर यहाँ पे एक ऊपर लॉक है, फिर नीचे एक लॉक है, और ये अभी सामान रखना शुरू कर दिया है। इसमें हम ना इमोन के सामान रखेंगे सारे। दो ऊपर बड़े बड़े ना ऐसे शेल्फ हैं खाली, मतलब इधर कपड़े वपड़े कुछ भी रख सकते हैं सामान। नीचे हमने हैंगिंग वाला लगाया है ये, और ये डिज़ाइन मैंने पिंटरेस्ट है ना उधर से निकाली थी। ये भी हैंगिंग वाला है, और नीचे से तीन लॉक वाले ड्रॉअर्स विथ फ्लैट हैंडल्स। तो इसको खोलने से ऐसा दिखता है, एंड बहुत ही स्मूथ है, बहुत अच्छा है। और बाहर से एक दरवाज़ा वाइट पेंट करके ब्लू एंड वाइट स्ट्राइप्स किए हैं, और एक दरवाज़ा प्लेन छोड़ा है, तो थोड़ा सा कंट्रास्ट आएगा, कंट्रास्ट लुक। एंड ये मेरा कबर्ट है, मैंने भी अभी तक इसमें इतना कुछ सेट नहीं किया। सोच रही हूँ अखबार रखूँ कि डायरेक्ट रख दूँ, पता नहीं सामान। और नीचे वाला जो पोर्शन है ना वो मैं यहाँ पे अपने कोट्स वगैरह और जो फॉर्मल शर्ट्स है वो हैंग करूँगी, और यहाँ पे मैं कुछ जॉर्जेट टाइप शर्ट्स वगैरह कुछ है वो हैंग करूँगी। अभी ना मुझे सोचना है कि मैं इन कबर्ड्स को ना किस तरीके से अरेंज करूं, क्योंकि एक बार सेट करेंगे फिर बार बार तो सेटिंग नहीं होती ना, तो एक बार में ही प्रॉपर तरीके से सोचूंगी कि अभी मेरा, इमोन का, मैगी का सामान, तीन लोगों का सामान है, तो क्या कहा जाएगा। इस वाले में तो जैसे लास्ट टाइम था ना वैसा ही है। इसमें हमने मेरे देसी कपड़े सारे टांगे हैं, तो ऐसे कुछ सारे देसी आएंगे इसमें। तो अभी मैं आराम आराम से मेरी ज्वेलरी वुलरी ये वो सब कुछ लेके आती हूँ, एंड सेटिंग शुरू करती हूँ। वाला कबर्ड ना ऐसे लंबाई में बहुत वो है, मतलब वो भी लंबा है, लेकिन ये वाला भी बड़ा ही साइज़ का है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे पूरे हमारे पाकिस्तानी कपड़े जो हैं, देसी कपड़े, वो सारे टांगूंगी। लेकिन हमारे पास हैंगर नहीं है, तो इमोन में हैंगर लेना पड़ेगा यार आज। चलो देखती हूँ, पहले मैं सेटिंग कर लूँ फिर, और हैंगर बस कुछ इतने ही बचे हैं यार। सेटिंग करते करते इतना थक गई हूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा। ये सारे टी शर्ट्स मेरे हैं, मैं आपको जगह दिखाती हूँ। इतने टी शर्ट मेरे पास थे, मेरे जो पता भी नहीं था। और इमोन का जो है वो भी ऑलमोस्ट सेट हो गया है, लेकिन हमारे पास हैंगर नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हैंगर होता तो जल्दी जल्दी से मैं हैंग कर लेती। लेकिन ये देखो, ये सारे कपड़े ना मेरे घर के पहनने के कपड़े हैं, इतने सारे। ये सारे माशाल्लाह से टी शर्ट्स हैं, वो सारे ट्राउज़र्स हैं, और ये भी कुछ टी शर्ट्स एंड ट्राउज़र्स। और अभी यहाँ से मैं ढूंढ ढूंढ के कौन कौन से पहनूंगी वो इधर सेट करके रख रही हूँ, तो फ़िलहाल ये कंडीशन है। और इधर मेरे पास वो नहीं है, अभी मेरे बहुत सारे कपड़े जो है ना बाहर पहनने के, शर्ट्स वगैरह, वो इधर हैं, तो वो बाद में जब निकालूंगी तब हैंग करूंगी। और इस कबर्ड में भी फ़िलहाल मैंने हैंगर्स नहीं है, तो ऐसे करके रखा है, बाद में देखते। और इमोन ने अपना अच्छे से ऐसे सेट करके रख दिया है, जीन्स वगैरह, शर्ट्स वगैरह, और ये बेडशीट्स भी हमने इमोन के इधर रख दिया है, खुद उसने रखा है। मैंने बोला था इधर रखो, इधर यही मेरा कपड़ा है। तो तुम इधर और इधर क्या हैंग करोगे? कुछ नहीं है। तो चलो हैंगर्स आ जाए ना, फिर देखना मैं तुम्हारे सारे कपड़े खोल के हैंग कर दूंगी। ना, ना, ना। हैंग करोगे नहीं तो फिर तुम्हारे कबर्ड में जो जगह है ना वो भी मैं ले लूंगी, बाद में उसमें भी मैं, मेरी पूरी नजर है कहाँ खाली है। तो चलो अभी जल्दी जल्दी से सेटिंग कर लूँ, पंखा खोलूँ। पंखा बंद किया है क्योंकि नॉइज हो रहा था, खोल दो भाई, गर्मी हो रही है और बाहर हो रही है बारिश। मैगी ने अपने बचपन की शर्ट पहनी है, चलो चलो। और इमोन क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो? प्लेन दिख रहे हो? जहाज कतर का कहाँ है? ओ ओ रहा, अरे कितना बड़ा दिख रहा है। और ये अभी हम दे रहे हैं मूरी पफ्ड राइस कबूतरों को। अभी इतना सारा सामान लेके आई हूँ, इन सबको सेट करना है ऐसी तरीके से, कुछ ज्वेलरीज। और ये मैंने ज्वेलरीज के बॉक्सेस भी मंगा लिए थे, तो चलो सेटिंग करते हैं। इसके अंदर क्या है पता नहीं, इसके अंदर तो ज्वेलरी है मेरी। और खुल जा खुल जा खुल जा, हमेशा एक हाथ से खोलने में मुश्किल होता है, तो कुछ सेट करके इधर रखूँगी। इधर बहुत सारा हो गया ना। और इसके अंदर मेरे कॉस्मेटिक्स है सारे, उसको भी सेट करना है। इनको कैसे रखूँगी वो बाद में सोचते हैं, कॉस्मेटिक्स को। इधर बहुत कुछ है मेकअप, तो चलो गाइस लेट्स डू काम। इमोन बहुत भूख लगी है, मैं काम करके थक गई हूँ। कबाब, सीख कबाब, सीख कबाब, सीख कबाब खाओगे कि मोमोज? कबाब। चलो
और कबाब क्या फ्रीज हो गए अभी तक? देखा था मैंने कुछ देर पहले, नहीं है प्लेट में, हटा दिए। बड़े फास्ट हो, चलो दूसरे फ्रिज से लेके आए। इस फ्रिज के अंदर है हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल कबाब। ये मोमोज है, सारे मोमोज हो गए, फ्रीज हो गए ना। वाओ देखो, रखो इधर। वो इमन कितना प्यारा लग रहा है ना, हार्ड हो गया। एक दो तीन, तीन बैग्स बने मोमोज के, और ये रहे कबाब। दो बैग ना, कितने निकालोगे यार? निकालो, छह निकालो। प्रोफेशनल इमोन, अरे अच्छा खासा, ये फ्रिज बहुत अच्छा ठंडा करता है, देखो ठंडा हो गया। आज हम खाएंगे मजे मजे का कबाब एंड पराठा, मजा आ जाएगा। फिर मैं काम शुरू करूंगी, थोड़ी ताकत आ जाए तो। पकाते हैं ये दोनों, ये दोनों जुड़वा है इमन, तो मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ, स्लो में ही करती हूँ। नहीं नहीं, बाद में उल्टा करूँगी, फिलहाल सीधा सीधा लगा दो, और ये तीनों एक साथ रख दो। बाद में अलग हो जाएंगे, उल्टा उल्टा, हाँ ऐसे ऐसे बाद में अलग हो जाएगा ना, मैं कर दूँगी। सबने खा लिया, अभी मेरे और एक बच्चे हैं, तो क्योंकि हम पका रहे थे, अभी लास्ट में हमारी बारी। ये पराठे देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना, कलर मज़ा लग रहा है इमन, देखने में भूख लग रही है। लेकिन असल में इतना पसीना आ गया है ना, दिल नहीं कर रहा अभी खाएं, लेकिन भूख बहुत लगी है, तो खाना खा के फिर काम करने जाना है। चलो टेस्ट करते हैं कैसा है, पराठा तो खाते रहते हैं, आज कबाब खा के देखते हैं कैसा है। रेस्टोरेंट से भी अच्छा, और ये क्या हरकत हो रही है मेरे सामने, ये क्या है भाई, कौन सा स्टाइल है? निकल ही नहीं, निकल ही नहीं रहा आराम से। और ये है सॉस। तो यार मैं अपनी ज्वेलरी अभी खाने पीने के बाद फिर से सेट करने लग गई। इधर मैं पोनिया शोनिया और केचर क्लिप वगैरह सेट करूँगी, यहाँ पे मैं बड़े बड़े सेट रखूँगी, और यहाँ पे भी छोटी छोटी मेरी इयर रिंग्स वगैरह। और उधर इमोन क्या कर रहे हो तुम, ये हरकत है मैगी के साथ, बोले चूड़िया। अल्लाह सही, मैगी के ना बिंदिया थोड़े मैगी। मैगी मैगी की शादी है, मैगी की शादी है, मैगी को दुल्हन की तरह तैयार कर रहे हो। कौन सी कलर की, ब्लैक कलर की बिंदिया लगाए हो, ओल्लूड़ा बांग्लादेशी कलर स्टाइल कर दिया इसको तो, बंगाली मैगी। और मेरे पास बिंदिया है कुछ, ये है बड़ी साइज की, फिर यहाँ पे ये छोटी साइज की, और फिर ये है मीडियम साइज की, एंड ये है सबसे छोटी ब्लैक। तो ये सारे ऐसे ही मैंने लेके रखे हैं शॉप के लिए। मैगी यू आर लुकिंग, कैसे लुकिंग कमेंट से बताना, मैगी कैसी लग रही है गाइस, मैगी कैसा फनी लग रही हो यार। कभी आपने ऐसे डॉगी को नहीं देखा होगा, कोई भी डॉगी, ये पहला डॉगी होगा जिसने बिंदी लगाई है। यार मैंने सारी ज्वेलरीज वगैरह ऐसे सेट कर दिए हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज यहाँ पे ना एक मसला हो गया, ये बॉक्स है ना, इसमें ऐसा स्टिकर लगा हुआ है, अगर ये स्टिकर नहीं होता ना तो अच्छे से मैं देख पाती अंदर क्या क्या है एग्जैक्टली। और इतना जोर से चिपका हुआ है, जोर से चिपका हुआ है कि डिजाइन किया वो गाधा ही होगा कोई, मतलब कोई पेपर, एक कोरिया में एक होता था नॉर्मली टेप लगा देते थे, हाँ, तो आके आप उतार दो इधर, इतना क्यों बंगाल वाले को क्यों यार, बंगाल इतना गोश्त बेच रहे हैं वही काफी है। ये क्या गोश्त बेचते हैं? हाँ ये गोश्त बेचने वाले हैं बंगाल। तो ये ना इतना स्टिकर चिपकाने की क्या जरूरत है, ऐसे मतलब स्टिकर चिपकाते अगर हम लोग ना प्रोडक्ट देख ही ना पाए यार, ये कितना गलत बात है। अरे ये तो टूटा हुआ अभी, ये अभी अभी देखा मैंने, करेक्ट, छोड़ो तोड़ो मत, हमने थोड़ा है कि उसको नहीं नहीं हमने नहीं थोड़ा, मुझे लगता है वो पार्सल के टाइम टूटा हुआ, देखो ना ये पार्सल ऑनलाइन ऑर्डर था, ऑनलाइन ऑर्डर था। अरे चलो कोई बात नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इज स्टिकर, फिर ऐसे ऐसे करके बैठ के इमन उतार रहा है थोड़ा थोड़ा करके। इधर हर कोई हर चीज बनाना शुरू करते है, गोश्त बनाने वाला प्लास्टिक बनाते, खिचड़ी बेचने वाला कबाब बनाते, बस यार क्या बोले यार। अभी ना हो गया है रात का बहुत टाइम, और मेरा जो उसके उसका रूम में जो वार्डरोब है ना वो अभी तक रेडी नहीं हुआ, क्योंकि डेफिनेटली उसमें अभी बहुत काम है। जो जो लड़कियां देख रही होंगी सबको अच्छे से पता होगा, बादाम खा रही थी ना इसलिए मुंह में बादाम आ रहा है। और मैगी ऐसे प्यार की नज़रों से देख रही है, मुझे पता नहीं क्यों, शायद उसको भी बादाम खाना है। तो अभी ना जो 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 लड़कियाँ दिख रही होगी उन सबको पता होगा कि लड़कियों की चीज़ें सेट करने में कितना टाइम लगता है। इमोन ने बहुत जल्दी फास्ट सेट कर दिया अपना सामान, लेकिन मेरा सामान जो है ना
थोड़ा सा इधर टीवी की टेबल में कुछ सामान है, कुछ सामान मेरी इस ड्रेसिंग टेबल में है, और कुछ सामान उस लाइब्रेरी के रूम में है, कुछ सामान फिर दूसरे जो रूम में कपड़ा लगाते हैं उधर है। तो अभी सारे सामान अभी इधर उधर हैं, बहुत सारे सामान हैं। मेकअप भी अरेंज करना है मुझे, तो मैं मेकअप अपना, ये वाली मेरी ड्रेसिंग टेबल तो आपको पता है कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी और ख़राब हो गई थी ना, तो इसका मेकअप जो है वो मैंने सारा निकाल दिया था। अभी वो मेकअप मैं कहाँ रखूँगी, उस कैबिनेट में कैसे सेट करूँ, क्या करूँ, मेरा बहुत ही बड़े मसलों में हूँ मैं, तो उसके लिए मुझे टाइम लगना पड़ेगा थोड़ा सोचने करने का। तो फिलहाल बेसिक जो कपड़े हैं वो मैंने बस सेट किए हैं, बाकी हम लोग आराम से सेट करेंगे, फिर आएगा जल्दी से स्टूडियो भी पूरा बन के रेडी, और आप लोग को मैं दिखाऊंगी ज़रूर। और आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और उम्मीद है आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और हमें आज बहुत मज़ा आया था, स्पेशली इमोन ने जो पराठे और वो बनाए थे कबाब, वो खा के बड़ा मज़ा आया, बड़ा मतलब पूरा ऐसा लगा कि ऐसा होना चाहिए लाइफ में कोई, मतलब जो कि आपको पका पका के खिलाए। मैं भी पका के पकाती हूँ, लेकिन इमोन ऐसा होना चाहिए हर लड़की की ज़िंदगी में। जिन जिन के हस्बैंड्स देख रहे हैं या जिन जो वाइफ खुद देख रही हैं, आप अपने हस्बैंड्स को भी बोलें कभी कभी आपके लिए पकाएं, क्योंकि लड़कों के हाथ पे भी एक डिफरेंट जायका होता है। हम तो पकाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी लड़के पकाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और इमन की चाय भी मुझे बहुत पसंद है, सुबह सुबह की जो चाय होती है ना, पराठा अंडा तो मैं पकाती हूँ, लेकिन चाय इमन की बेस्ट होती है। तो गाइज, आप लोग भी बस अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और एक दूसरे को खुश रखो, पॉजिटिव रहो, और ज़्यादा इमोशनल ना हो, क्योंकि मैं जो है ना पर्सनली बहुत इमोशनल इंसान हूँ। थोड़ा सी भी प्रॉब्लम होती है, इधर उधर को सोचती हूँ तो सोचती रहती हूँ, क्योंकि मैं शुरुआत से ही इमोशनल हूँ। तो ऐसे दुनिया में आप लोग नहीं चल सकते, अगर आप लोग इमोशनल हो तो आपको मतलब स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। दुनिया ऐसी ही है, हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं अच्छी बुरी चीज़ें, तो आप लोग बस स्ट्रॉन्ग होके रहो, पॉजिटिव रहो, सबसे पहली बात है पॉजिटिव रहो, स्ट्रॉन्ग रहो, तो कोई आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता। और अगर इमन जैसा लाइफ पार्टनर हो आपके ज़िंदगी में, तो फिर आपको और क्या चाहिए ना। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना मुझे और इमन को, और मेरे घर वाले, मेरे ससुराल, सबके लिए दुआएं करना। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह आप सबको भी खुश रखे, दुआएं पूरी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, खुदा हाफिज़, बाय बाय।